एक बार एक नाई की दुकान क्या का मटर हो गया। अब पुलिस आई और आके नाई ते, अब पहले तो नाई देखते डर गया, पुलिस तेरी बाघ का शटर बंद करे था। पुलिस ने पकड़ के बोला बता, हाँ सरदार जी का मर्डर हो गया। और उसने नाई तो पूछा, पुलिस ने उनको बता यो कब मरया। अब नाई बोला जी मार लेगा तो सड़ो है ता ही मरगो तो ना कदी मूछ बनवाई ना डाटी, तो होते ही नहीं मरेंगे, कोशिश करेंगे कुछ बढ़िया सुनान की। शहर में आ गया लाग गया बेल घुमाने को, शहर में आ गया लाग गया बेल घुमाने को, शहर में आ गया लग गया बेल घुमाने को, अरे बेल घुमाने को बुला गया बेल घुमाने को, बेल घुमाने को बुला गया बेल घुमाने को, अरे केवल शहर में आ गया लग गया बेल घुमाने को, अरे केवल शहर में आ गया लग गया बेल घुमाने को। सारा शहर कट्ठा हो गया सारा शहर, जेल डलोगे तो नहीं से खैर, जेल डलोगे तो नहीं है खैर, कट्ठा हो गया सारा शहर, जेल डलोगे तो नहीं से खैर, अरे बने लंगर दिया फेर लगाओ बोर जिमाने को, मल शहर में आ गया लागा फेर घुमाने को। सारा गांव इकट्ठा हो गया, एक मल, मल का मतलब होता है पहलवान, एक मल्ल शहर में आ गया लागा जोर जिमाने को। सारा गांव इकट्ठा हो गया और भरे गांव में चीख चीख का कह रहा कि इस नगरी में कोई पहलवान हो जो मनारास के मिर्ता का कुश्ती लड़े। अब धीरे धीरे सरकता सरकता जीत भीम चून ओसन रहा था, उसके गेट के श्यामी आ गया और आके फेर के नु को पहलवान हो तो मेरे तक कुश्ती लड़े, नहीं तो मैं समझूंगा कि इस बस्ती में कोई मर्द कौन है। अब वो खुदा कैसे परमात्मा कैसे करने हुए भीम का एक कान काटा लेकर गया और भीम ने वो बात सुना और उसने छो आवे कह रहा भीम तेरा होना अरे ना होना बेकार है, फिर के फायदा। और वो पहलवान अपने मन में यूं सोचे कि इस नगरी में कोई पहलवान तेरे मुकाबले का नहीं है, एक काम करे तुम्हारा क्यों टाइम खराब करे, राजा के दरबार में चाल और राजा तो जाकर बता कि तेरी नगरी में मुझसे मुकाबला करने वाला कोई पहलवान नहीं है, जाकर अपनी दक्षिणा पानी ले और अगले काम में जाइए। क्या कहानी बनी क्यों करे। अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, ला दे दे मेरा रुपया भेंट, ला दे दे मेरा रुपया भेंट, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, ला दे दे मेरा रुपया भेंट। अरे वने वन सब मर्द करे नामे लगावो जोर दिमाने को, अरे केवल शहर में आ गया लग गया बेल घुमाने को, अरे केवल शहर में आ गया लग गया बेल घुमाने को। चाल के राजा के दरबार में आ गया कि महाराज आपकी नगरी में मेरा मुकाबले करने वाला कोई पहलवान नहीं है,
मेरा समय खराब मत करो, मेरी जो दक्षिणा है वो मेरे तक दे दो। राजा ने पूछी कि भाई तेरी के दक्षिणा है? पहलवान ने बताई कि एक क्विंटल देसी घी, एक रेशम का लंगोट और 125 रुपया, ये मेरी दक्षिणा है, मन दो, अगले काम में भी जाना है। लोगों बताया, उस राजा के दरबार में उस राजा कवल नैन का साला किचक भी बैठा था, लेकिन उसमें भी इतनी मत नहीं थी कि इस पहलवान की बेल ना दाब का कुश्ती लड़े, क्योंकि जीवित मल मन्या हुआ पहलवान था। और जब तक जिसने भी कुश्ती लड़ी जीवित मल ने, वो मरिया ही लिख गया, सब ट्रिया करते, लेकिन के कहानी बनी क्यों करे? चितरू कहे तड़ा ना टाड़ा, चितरू कहे तड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साला, लड़ा नहीं राजा का साला, चितरू कहे तड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साला। भीम उठ के चल्या उसकी बेल दबाने को, शहर में आ गया राजा बेल घुमाने को, बेल घुमाने को राजा बेल घुमाने को, शहर में आ गया राजा बेल घुमाने को, अरे कमल शहर में आ गया राजा बेल घुमाने को। जा का उसकी बेल दबाई क्यों कर? तावड़ करके भीम बली ने, तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए, पहलवान ने झटका मारा, सोचा ही भी ले छुटाए, फिर झटका में झटकी होने लाग गी, तिल भर पीवा सर की जाके भीम ने बेल पैर तदावली, पहलवान ने झटका मारा, छुट्टी को न्या, सोचा यार बेल तो कहीं ना दाबली, और झटका मारा ना छुट्टी, फिर झटका मारा ना छुट्टी, भीम ना हंसी आ गई, कह रहे पहलवान अभी तो सारी नगरी में चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि कोई मर्द जाम हो मेरे तक कुश्ती लड़ा रही, बिस्ते बेल भी ना हल रही। हंसी आ गई के बोलिया, अरे भीम बली ने हंसी आ गई बोलिया, रंग मजे का लुटे नाए, शेर ने मिल जा सवा शेर, फिर कुछ भी शेर का उठे ना, और एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छुटे ना, एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छुटे ना, एक पैर ते बेल दाब लिया अरे तेरे बाप ते छुटे ना। दाबली नु बोला के पहलवान कितना टक्का जोर लगा ले बेल छुटेगी नहीं, छो आ गया उस पहलवान ने बोला कि नौजवान अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो बेल पे तो पैर हटा ले, जीवित मल है ना मेरा, लोग बेल दामने की हिम्मत तो दूर, मेरे से नजर मिला के बात करने की हिम्मत नहीं करते, जय अपनी जान की सलामती चाहता हो बेल पे तो पैर हटा ले। के बोला, अरे पहलवान ने गुस्सा आ गया बोला, ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं आंड लिया मने, देखे मल बतेरे से और मारी तेरी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से मारी तेरी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से मारी तेरी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से। बोला कि अगर तने बेल पैर तदावली तो तेरी मारी तड़का कुश्ती होगी। उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई धर्म युधिष्ठिर बैठा था, उसने सोची कर यो वेद खोल लगायो पाखंडी, उसने सोची अनाड़ी आदमी है यो, इसने मारेगा और यो इतना ठाडा पहलवान रोल मार जाएगा, बेरा पाट जाए पांडव वैराट नगर में लुक रहे हैं और सारा वेद खुल जाएगा। अब उसने सोची कि इसने क्यों करना टूंक तू कुश्ती ना लड़े। अब युधिष्ठिर ने नुआंगली हला दी, क्यों बोल तो सके ना, दूर तो नुआंगली हला दी भीम का नहीं। अब भीम ने देखा उस टाइम बड़े भाई की बात मान्या करते, बड़े भाई का आदेश नु मान लो चलो परमात्मा का आदेश,
आंगली देख कर समझ गया भीमक भाई नट है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। उसने बेल पे तो पैर हटा लिया, नो भाई पहलवान। उसने सोची ने सड़ा ने फिर सुधार दिए कदे, नो सोची भाई पहलवान बेल दाबली गलती होगी, मैं तो ये रास्ता में पड़ी थी मन दाबली, अब माफ कर। अब पहलवान ने सोची क्यों भंडारी तर तटर गया, जितना रोब जमाया जा उतना जमा उतना ज्यादा इनाम देगा राजा। वो आकड़े नुग ना तने बेल कैसे दाबली तेरे को बताऊंगा, वो नुगा भाई छोड़ दे नुग ना, कुश्ती लड़नी पड़ेगी भीम हाथ जोड़ा। वो आंकड़े इतनी कित बर्दाश्त थी भीम में, क्या कहानी बनी क्यों भीम बली फिर हंस के बोलिया, तेरे हाथ लगाऊं सू बेल दबी मेरी गलती होगी, मैं उसकी माफी चाहूं सू, तन खान पीन न खुराक मिले मैं हाथा से कू खाऊं सू, तड़के बेरा ना कदसी ओ मैं अब ही लड़ना चाहूं सू, तड़के बेरा ना कदसी ओ मैं अब ही लड़ना चाहूं सू, तड़के बेरा ना कदसी ओ मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। जब बार बार पहलवान आकड़िया छो आ गया भीम कन्नू को, तड़के बेरना ससुरा सुत्या रह जाके तू अभी आ ले इनमें, छो आ गया। अब दोनों पहलवान अखाड़े में आ गए, ऊपर रानी सुदेशना बैठी, और रानी सुदेशना के पास में दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी जिसका नाम सैरंदरी। अब रानी सुदेशना दासी तो बोली के दासी, यो भंडारी मारा लड़का है, यो पहलवान ठाडा है, एक काम कर जा का कुश्ती रुकवा दे, कदे वो भंडारी मारा जा काल न रोटी पूर्ण पोगो सारा भूखा मरांगा। के बोली क्यों कर गए से, सुदेशना सुदेशना बोली सुनिए दासी कदे, ऐसा ब्योत विचारा जा, यो अलका यो बारा दिखे सिर के ऊपर डारा जा, ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा, जाके कह दे कुश्ती लड़ेंगे, जाके कह दे नहीं लड़ेंगे, रख दे भंडारी मारा जा, जाके कह दे नहीं लड़ेंगे, रख दे भंडारी मारा जा, जाके कह दे नहीं लड़ेंगे, रख दे भंडारी मारा जा। रानी सुदेशना बोली कि भंडारी अड़का है, जाके कुश्ती लड़वा दे और मारा जाएगा। सजनों कोई भी औरत हो उसने अपने पति की पारजीशी होट होया करे, दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी छो आ गया, अब तेरे पति के बारे में यूं कह रही है और लड़का है, के बोली किस प्रकार से, के बोली दासी, अरे दासी बोली सुनिए रानी, दासी बोली सुनिए रानी, क्यों बोले से ठाडू ठाड, जे भंडारी मेरा हार जा, मेरी धड़ते गर्दन दिए पाड़, ऐसे ऐसे मल न पूते कितने धरती में दिए गार, ऐसे ऐसे मल न पूते कितने धरती में दिए गार, ऐसे ऐसे मल न पूते कितने धरती में दिए गार। दोनों पहलवान अखाड़े में आ गए, पांच तामड़ी भर के दूध की दर्दी, जीवित मल ने मुंह लाया तामड़ी ठाई, आदिक पीते चक्कर से आगे उल्टी दर्दी, भीम ने के कदे दूध देखा था, एक बखेरा एक पीओ बुरी तरह पी कर नुका बाजया, दोनों लड़न लागे कुश्ती किस प्रकार से, क्या छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धूल लई और धरती चूमी, गुरुदेव ता लिए मनाए, और अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगा, अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगा, अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगा, एक हाथ ते मुर
मुरछा कलाई, एक हाथ ते मुरछा कलाई, एक ते लिया पांव दबाए और एक लावे था धोबी पट्टा, कला जंग में पहुंचा जाए, भीम बली का दाव लगा जब सर पे ऊपर लिया था, भीम बली का दाव लगा जब सर पे ऊपर लिया था, भीम बली का दाव लगा जब सर पे ऊपर लिया था। अदर उठा लिया पहलवान, सीता लेके खड़ा हो गया, फूला नहीं समाया जी, दोनों आंख मीच ली करडीना, चारों तरफ लखाया जी, ऊपर ते ही गेर दिया, ना पड़ते ही पैर हलाया जी,